आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की पोस्ट का टॉपिक है गुरुवार को कौन से काम नहीं करने चाहिए और किस लिए नहीं करें। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के साथ ही गुरुवार का व्रत रखना भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस दिन पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमज़ोर होता है और ईशान कोण का संबंध घर के छोटे सदस्यों से होता है। ऐसे में इस दिन पोछा लगाने से घर के बच्चों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और गुरुवार के दिन धन का लेन देन करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन दिया गया उधार वापस नहीं मिलता है और वहीं आज के दिन अगर किसी से उधार लिया है तो आप पर कर्ज बढ़ सकता है, इसलिए इस दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इससे दिशा शूल लग जाता है जो कि शुभ नहीं होता है। और अगर यात्रा करना ज़रूरी है तो घर से दही या जीरा खाकर ही घर से बाहर निकलें। गुरुवार के दिन ना तो कपड़े धोने चाहिए और ना ही नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन घर से कबाड़ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे शुभ प्रभावों में कमी आती है। गुरुवार के दिन पोछों को बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आयु और धन की कमी होती है। इस दिन पूजा पाठ का सामान और धारदार वस्तु जैसे चाकू कैंची का खरीदना भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। आज के दिन साबुन का इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है गुरुवार के दिन साबुन के इस्तेमाल से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और घर से सुख समृद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए इस दिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए केले का सेवन ना करें। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब दीपक इसका ना जलाएं और इस दिन सिर्फ देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए क्योंकि तिल के तेल का या सरसों के तेल का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता है। और गुरुवार के दिन नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, इससे कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है और जब बृहस्पति कमज़ोर होता है तो घर में धन की कमी होती है। तो दोस्तों, ये काम बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और इस पोस्ट से अब आपसे आज्ञा लेते हैं, आपसे अगली मुलाकात जल्दी होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।